ये रे पोरिया शॉट दिखा देता हूँ आपको मैं लीनिंग का थोड़ा सा शॉट दिखा के। सेटअप चेक करो बंदे का, हेलमेट है बंदे के पास स्टील बर्ड का और फोन से ब्लॉग बनाता है भाई। इस साइड तो अपना लिखा हुआ है पूरा, मेरे को यहाँ पे ना कुछ नाम ऐड करवाना है। यूट्यूबर बन गया तो याद आती होगी बंदी के, डीएम वगैरह आते होंगे आपके पास? भाई ये क्या है, पूरी बबलिंग कर रही है यार, स्टीयरिंग देखो बाइक का कैसे बबल कर रहा है। हनी ब्लॉग सब्सक्राइब कर देना। ये चेक करो भाई, इसमें एबीएस भी नहीं है, नॉन एबीएस बाइक रह गई, कैसे चलाऊंगा मुझे नहीं पता। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत देखो अपन कहां से कर रहे हैं। देखो मैंने आज अपना गोप्रो है ना उसको लगा रखा है मिरर पे माउंट लगा दिया। मैंने सोचा यार अपन डेली एक तरीके से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं तो आज कुछ डिफरेंट तरीके से ब्लॉग की शुरुआत की जाए, तो आज कुछ डिफरेंट तरीके से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे पास माउंट था जो गोप्रो के साथ आया था उसको मिरर पे लगा लिया। मैंने सोचा यहाँ से है ना जो यहाँ से शॉट आएगा ना काफ़ी अच्छा शॉट आएगा, तो मैं आपको दिख रहा हूँगा तो ड्राइव करता हुआ और मज़ा भी आ रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज यार मैं कल से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है तो आज घर पे थोड़ा बोर सा हो रहा था तो मामा का भी कॉल आ गया तो उसने बोला तेरा मन सही नहीं है तो तू उधर आ जा फतेहपुर की तरफ, और उसको भी थोड़ा काम है फतेहपुर में, उसको क्या वो मनाली का टूर कर रहा है। हाँ आपको ये बात बतानी है कि मामा कर रहा है मनाली का टूर, तो वो बोल रहा है कि मेरे को उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो टूर के लिए प्रिपरेशन करनी है उसको, तो जो भी तैयारी है वो कर रहा है टूर के लिए, मनाली के टूर के लिए। तो फतेहपुर आ रहा है कोई बाइक इंश्योरेंस वगैरह करवाने के लिए, और वो बोल रहा था कि यार एक बंदा और है, एक मोटो ब्लॉगर हो रहा है फतेहपुर का बंदा ही है, मोटो ब्लॉगर है शायद, मे भी सोहेल नाम है उसका, तो बोलता है कि वो बंदा भी काफ़ी दिन से बोल रहा है मिलने के लिए, तो उससे भी मिलवा दूंगा मैं तेरे को, मतलब मेरे से मिलने के लिए वो बंदा बोल रहा है मामा को, तो उससे भी मिलते हैं। और पहले मैं सीकर जाऊंगा, सीकर से होता हुआ निकलूंगा बिकॉज मेरे को वीरेप पे जाना है प्रदीप भाई के पास, और वीरेप पे थोड़ा सा मेरे को काम रहेगा बिकॉज जो अपनी बाइक है ना स्पाइडी, मैं सोच रहा हूँ उसमें थोड़ी सी कुछ स्टेकरिंग वगैरह करवा लेता हूँ साइड के पैनल पे, एक दो नाम और ऐड करवा लेता हूँ मैं, ऐसा सोच रहा हूँ। और आज मेरे अकॉर्डिंग मज़ा आने वाला है बिकॉज मैं सिटी में ड्राइव करके मतलब डेली सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो आज हाईवे पर ड्राइव करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज आई होप आपको भी मज़ा आएगा और मज़ा आ रहा होगा आपको। तो गाइज जो बंदे मेरे चैनल पे, किसके चैनल पे, हनी ब्लॉग्स पे नए हैं ना, जाके हनी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो गाइज, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइज, और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो गाइज, और हाँ गाइज अपने शॉर्ट्स के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको, यूट्यूब शॉर्ट्स हनी ब्लॉग शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर दो। तो अभी चल ही रहा हूँ मैं, चलते तो क्या है अभी सीकर में एंटर करते हैं फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। पहले बाइक्स पे लेते हैं, वी रेप्स पे चलते हैं, शॉप पे चलते हैं सॉरी, तो शॉप तो ओपन है तो देखते हैं क्या सीन रहता है यार। तो यहीं पे आते हैं और पूछते हैं पहले इनसे, वही है यार यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो पहले अपनी बाइक पे वही है जो स्टिकरिंग है, मेरे को इस साइड तो अपना लिखा हुआ है पूरा, मेरे को यहाँ पे ना कुछ नाम ऐड करवाना है और मैं भी इस साइड भी ऐड करवा लूँ अगर कुछ यूनिक नाम सोचना है। ये जगह ये वाला पोर्शन भी खाली है गाइस, यहाँ पे तो अपना स्पाइडी हो ही रखा है और यहाँ पे है ड्रॉप गियर एंड डिस्पेयर, तो यहाँ पे और उस वाली साइड पैनल पे देखते हैं, प्रदीप भाई से पहले डिस्कस करते हैं कौन सा नाम अच्छा लगेगा फिर देखेंगे क्या सीन रहता है। अभी अपन आ चुके हैं वीरेप से, तो प्रदीप भाई से मैंने डिस्कस किया था तो लोगों से उन्होंने बोला कि यार आप में पहले से आपकी बाइक ओवरलोड हो रखी है तो आप रहने दो, पहले हम लोगों ने कुछ नाम सर्च वगैरह किया था तो वो नाम क्या समझ में नहीं आया, मतलब कोई नाम अच्छा नहीं लगा, हम लोगों ने गूगल पे भी देखा फिर उन्होंने बोला आप छोड़ो, आप ऐसा करना कि अपनी बाइक पे रैप करवा लेना, या तो ग्राफिक लगवा लेना या रैप करवा लेना। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं प्रदीप भाई, या तो इन फ्यूचर अगर कुछ बनेगा ना तो मैं रैप ही करवा लूँगा बाइक पे, तो प्रदीप भाई ने बोला आप ऐसे करो कि इन फ्यूचर कुछ बने ना तो आप रैप ही करवा लेना। तो भाई चेक करो अभी अपन आ चुके हैं हाईवे पे, मैंने जो गोप्रो अपने को वापस वहाँ पे लगा लिया, अपने जो अपना मिरर है उस पर लगा लिया बिकॉज आपको थोड़े हाईवे के शॉर्ट्स दिखाने हैं मुझे, तो थोड़ा लेन वेन करूँगा मैं हाई स्पीड में तो आपको अच्छे शॉट दिखाने तो बनते ही हैं। अब चलते हैं चेक करो आपका भाई, ये देखो गाइस हाईवे पे मज़ा आ रहा है, मेरा गोप्रो लगा हुआ है, गोप्रो नहीं गिरता है बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, वो स्पाइडी बकरी है गाइस 120-130 के स्पीड से और गोप्रो हिलता भी दिया गाइस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, गाइस मज़ा आ रहा है यार हाईवे पे ड्राइव करके, बहुत दिन बाद हाईवे पे आया हूँ मैं, बहुत दिनों बाद, और तो लीन लीन का शॉट दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको लीन करके, ये चेक करो गाइस
ओ भाई सच में मजा आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। ये चेक करो ये आगे चल के, ये थोड़ा सा शॉट दिखा देता हूँ आपको मैं, लीनिंग का थोड़ा सा शॉट दिखा के फिर आगे चलेंगे। आगे चल के मैं वापस कैमरे को हटा के अपने माउंट पे लगाऊंगा हेलमेट पे। आज पता है आपको, मैंने स्पाइडी को 152 टच कर दिया था यार, मजा आ गया। क्या वाइब देती है ना अपनी स्पाइडी। अभी इतनी सी देर में मैं लक्ष्मणगढ़ आ गया, देख लो सीकर से अभी लक्ष्मणगढ़ आ गया, फतेहपुर पहुंचने वाला हूँ। और आज मतलब यार मेरा पता है गाइस क्या सीन हो रखा है, मैं जब से रात को मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी ख़राब हो गई थी, रात को मैं एडिटिंग कर रहा था और रील्स वील्स बना रहा था, थंबनेल वगैरह बना रहा था, फिर सुबह उठाना तो ऐसे मन मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट कर लिया जाए। रोड सही हो गई है, लास्ट टाइम मैं फतेहपुर आया था ना बहुत टाइम हो गया मेरे को, लास्ट टाइम अपन ने संडे राइड की थी ना बहुत पहले की थी, बिट्टू और मामा मैंने की थी उस टाइम अपन आए थे, तब ये रोड इतनी डिस्गस्टिंग रोड थी, इतनी ख़राब रोड थी, अब इतनी अच्छी हो गई है। अपन आ चुके हैं फतेहपुर बाईपास पे और ये अपने को लेके जाएगी सीधा फतेहपुर के अंदर, तो मामा को उतर के कॉल करेंगे वहाँ पे, देखेंगे या तो बंदे बाईपास पे मिल जाएंगे। और इधर आ रहे हैं हैवी व्हीकल्स तो अपने को थोड़ा नीचे निकल लेंगे यार, बिकॉज यहाँ पे रोड देखो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार, रोड तो कुछ नहीं है, बंदा कैसे व्हीकल चलाए इस पर, पूरी रोड कट हो रखी है यार। चेक करो मोस्टर आ चुकी है अपनी स्पाइडी है ही, और मार्कोस सोयल जो बंदा मिलना चाहता था उसकी एरी पल्सर आरएस, सॉरी आरएस नहीं पल्सर 150, तो ये बंदा है भाई। क्या नाम है आपका? मार्कोस सोयल। मास्क क्यों लगाते हो आप? नाक बड़ा है इसलिए। गाइज मेरे को पता है क्या बोल रहा है बंदा, कि मेरा नाक बड़ा है इसलिए मैं मास्क लगा के ड्राइव करता हूँ। तो बंदा यार काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, मार्कोस सोयल बंदे को सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करके मोटिवेट करो बंदे को, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। और बंदे का मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ, ये चेक करो सेटअप, चेक करो बंदे का, हेलमेट है बंदे के पास स्टील बर्ड का, और फ़ोन से ब्लॉग बनाता है भाई, बंदा मेहनत कर रहा है। कंटेंट बनाने वाला बंदा होना चाहिए, चाहे फ़ोन से बनाए चाहे गोप्रो से बनाए, भाई बंदे में टैलेंट होना चाहिए बनाने का, और बंदा मोटिवेट होना चाहिए, बंदा ऐसा होना चाहिए हाँ भाई मेरे में वो है, मैं कर सकता हूँ वो चीज़। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को बंदे से मिलके। अपन चला रहे हैं पल्सर 150, बिकॉज यार इस बाइक को चलाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। स्पाइडी मोस्टर सारी हैवी बाइक है तो मैं डेली चलाता हूँ, बट आज इस बाइक की कुछ फील लेते हैं यार, क्या फील देती है बाइक भाई। इसमें ABS भी नहीं है, नॉन ABS बाइक रह गई, कैसे चलाऊँगा मुझे नहीं पता भाई, मेरे को फिक्र हो रही है बंदा कैसे चलाएगा आई डोंट नो। बट उसकी पल्सर मैं थोड़ी भगा के देखने वाला हूँ, यहाँ पर रश कम हो जाए थोड़ा, और जैसे रस कम होगा तो फिर मामा आगे चला गया, उसको बाइक का थोड़ा सा कुछ करवाना है, तो भाई देखते हैं पल्सर में क्या पावर आती है। ओ भाई ये तो भाई पूरी वाइब्रेट कर रही है बाइक, कुछ नहीं होते कुछ है ही नहीं इसमें भाई, ये क्या है पूरी बबलिंग कर रही है यार। स्टीयरिंग देखो बाइक का कैसे बबल कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा बबल कर रही है यार, ये क्या सीन है गाइस। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ये बोल रहे हैं यहाँ के गोलगप्पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं फतेहपुर में, फेमस जिसका तो हमें नहीं पता, बट गोलगप्पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और गोलगप्पे की शॉप का नाम, ठेले का नाम बताया ATM पानीपुरी, काफ़ी यूनिक नाम है। और अंकल जी भाई बीच में, अंकल जी भी चल रहे हैं भाई विदाउट हेलमेट, यार बंदे हेलमेट क्यों नहीं पहनते, सबसे बड़ी बात क्या है बताए, मेरे को समझ ये नहीं आती कि इतना ही सेफ चीज़ है भाई क्यों नहीं पहनते बंदे हेलमेट क्यों नहीं पहनते। चेक करो यार, अभी मैं 2 मिनट में क्लियर कर सकता हूँ ये रश, आपको पता है 2 मिनट में क्लियर कर सकता हूँ ये रश, बट मैं फिर आगे निकल जाऊँगा ना, कोई मतलब नहीं, इनको कोई रिकॉर्ड नहीं करने वाला होगा। तो भाई ये रहा बंदा मार्कोस सोयल, कभी सीकर में मिलो बताते हैं आपको कैसे होती है ड्राइविंग ट्रैफिक में, यहाँ तो आपकी सड़कें सही नहीं है। तो भाई यहाँ के रोड्स है ना, रोड्स बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे सच्ची में, बहुत छोटे छोटे रोड्स हैं यहाँ के। तो चेक करो दोनों बंदे लगे हुए हैं वहीं पे, और मैं बाइक को यहीं लगा देता हूँ। तो ये यहाँ की फेमस, यही है क्या फेमस पानीपुरी, ATM पानीपुरी, चेक करो गाइस, गोलगप्पे वगैरह खा लिए। अब मेरे मन में एक सवाल याद आया, मार्कोस सोयल इनका हुआ था ब्रेकअप, अब ठीक है अब सही हो आप, अब आपकी हेल्थ वगैरह सही है? मेरा तो ठीक है, उसका ठीक नहीं है। अच्छा उसका ठीक नहीं, अरे अब भाई यूट्यूबर बन गया तो याद आती होगी, बंदी के DM वगैरह आते होंगे आपके पास? नहीं अभी तो कुछ नहीं आ रहे, नहीं अभी तो कुछ नहीं आ रहे। उस बंदी के, जिस बंदी ने आपको छोड़ा था, अब तो तरसती होगी ना आपके लिए वो?
हम तरसेंगे यार, हम तो आपके भाई हैं। तो गाइस एक आपके लिए मेन इन्फो, जो भी मेरे फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, तो बंदा सिंगल है, लोंडे को नीड है गर्लफ्रेंड की, तो मैं इसकी इंस्टा आईडी बताओ। अरे अरे आई हेट गर्लफ्रेंड, तो फिर बनाई क्यों थी बंदे के? क्या भाई, क्या मतलब, क्या मेंटेलिटी है, बड़ी अच्छी मेंटेलिटी है। अभी अपन जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा पब्लिक रिएक्शन वगैरह लेने। ये चेक करो गाइस, पता नहीं क्या सीन हो रखा है। हनी व्लॉग्स सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। अभी क्यूट क्यूट गर्ल्स मिल गई थी, जिन्होंने चैनल वगैरह के बारे में पूछने लग गए, भाई चैनल का क्या नाम है, तो मैंने चैनल वगैरह ये बता दिया। बिकॉज पहले से उनके काफ़ी अच्छे रिएक्शन आ रहे थे, जहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रहा था ना, वहीं से उनके रिएक्शन स्टार्ट हो गए, तो मैं उस साइड जा रहा था, फिर उन्होंने रुका लिया। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन देखते हैं आगे। ये पता नहीं कौन सी गली बताते हैं, वहाँ पे गली में चलते हैं और वहाँ पे पब्लिक रिएक्शन वगैरह देखेंगे। लेके जा रहे हैं कुछ इस तरह की गली में, और जिसमें स्पेस बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है यार, यहाँ पे रश मिलेगा। मेरे को मिरर भी फोल्ड करने पड़े, बिकॉज ये देखो बहुत पतली पतली गली है यार, और यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलेंगे यही जानते हैं। तो ये चेक करो, रास्ते बहुत ख़राब हैं यार फतेहपुर के गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये चेक करो गाइस, पूरे मुझे अजमेर और पुष्कर है ना, पुष्कर, अपन पुष्कर गए थे, वहाँ की याद आ रही है। इस गली को देख के एकदम पुष्कर वाली फील आ रही है, मतलब कि मैं पुष्कर में घूम रहा हूँ। लिटरली अंधेरा देखो यहाँ पे, ओ भाई बड़ी प्यारी गली है यार, सही जगह पे लेके आए हैं बंदे। ये चेक करो यार, ये चेक करो गाइस, भाई साहब मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है भाई, सच में। मेरा आज मूड है ना, तबीयत और मूड इतने ख़राब थे, ठीक हो गए, मतलब लिटरली ठीक हो गए, पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए मेरे मूड और तबीयत दोनों ही। और आज मैं नानी के घर पे स्टे करने वाला हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाएगी, और उन लोगों से भी मिल ही लेता हूँ, तो फिर कल ही निकलूँगा घर के लिए सुबह। बंदा कैसे जा रहा है, अरे रेवी मार ले भाई, मतलब फुल हाइप में जा रहा है भाई, फुल भगता हुआ जा रहा है बंदा। तो यहाँ की सड़कें मुझे बहुत डिसगस्टिंग लगती है गाइस, बहुत डिसगस्टिंग, बहुत बेकार सड़कें लगती हैं यहाँ की, और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सड़कें हैं ना। और आगे देखो भाई, ओ भाई क्या रिएक्शंस लिए भाई, ये देखो रिएक्शन, ये देखो रिएक्शन, देखो भाई एक नंबर गर्ल्स के रिएक्शन, देखो भाई क्या रिएक्शन तेरे ऊपर भाई, काफ़ी यूनिक रिएक्शन भाई, मज़ा आ गया भाई रिएक्शन देख के, लिटरली मज़ा आ गया भाई, एक नंबर रिएक्शन थे भाई। अरे डरा रहा है यार बच्चों को, तू सही आदमी नहीं है लोंडे। तो भाई गर्ल्स को डरा दिया बंदे ने, बट जो रिएक्शन थे ना यार, लिटरली मैं बता नहीं सकता आप लोगों को भाई, मज़ा आ गया। ऐसे रिएक्शन देख के तो मज़े आते हैं यार, वो एक रेव यहाँ पे भी बनता है भाई। अरे ये उड़ जाएगी, वाह यार क्या मतलब, क्या कर रहे हैं बंदे, कुछ भी मतलब कुछ भी, चेक करो यार, ओ भाई ये चेक करो भाई, मैं निकल के आ गया ट्रैफिक में से, दोनों बंदे रह गए पीछे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, बिकॉज हम लोग रुक गए थे, थोड़ी बातचीत करने लग गए, बैठ गए यार, बिकॉज काफ़ी दिन से मैं भी फतेहपुर आया हूँ, तो अभी मैं और मामा तो घर के लिए निकलेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया आज, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, बिकॉज आज रिएक्शन वगैरह भी लिए, तो मार्केट में आपने देखा होगा क्यूट क्यूट गर्ल्स के काफ़ी अच्छे रिएक्शन आए, और फतेहपुर में आने के बाद काफ़ी अच्छा फील हुआ, बड़े दिनों बाद आए ना, अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं यार, डिनर विनर करते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं। गाइस आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो गाइस, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले से मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त खुश और खाते पीते रहो गाइस। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, तब तक के लिए पीस आउट।